अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से ठीक है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और प्लीज़ मेरे पेज को जो है सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाती रहूँ। और पहले भी मैंने आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाई हैं, और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो था, हम गए हुए थे, जैसे कि बताया था जो प्रीवियस वीडियो थी जो मैंने चिकन की बनाई थी, तो ये गांव गए हुए थे हम, ये उससे पहले की वीडियो बनी हुई है। बस इसकी जो है मींस एडिटिंग वगैरह का टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, तो ये गए थे ज़मीनों पे। देखिए कितना प्यारा मौसम हो गया था। ये शाम 5 बजे का टाइम था आई थिंक, तो बहुत ही प्यारा मौसम हो गया था। आंधी आई थी और फिर हम बैठे तकरीबन 1.5 घंटे हम इधर बैठे रहे। और देखिए कितना प्यारा मौसम है, हवा चल रही है। तो अभी हम वही जैसे बच्चों को दिखाने लाए थे कि हम ज़मीनों पे क्या क्या लगाया हुआ है। और ये बहुत बड़ा एक दरख्त है, तो इसके नीचे छांव रहती है। इसके नीचे फिर जो है वो चारपिया डाल के हम लोग बैठ गए, बच्चों ने एंजॉय किया। और इस तरफ एक तरफ कुछ बाग लगा हुआ है, और ग्रीनरी तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। और साथ मौसम भी अच्छा हो, साथ आपके पास खुली जगह हो इंजॉय करने के लिए, बच्चे भी इंजॉय करें और आप भी इंजॉय करें। एक तरफ नलका लगा हुआ था, तो नलका भी नलके से पानी निकाल निकाल के बच्चे देख रहे थे। और ये देखिए, ये हमने मैंने दूसरी साइड से बनाई थी, मैं ज़मीन में देखने निकल गई थी। तो ये भी हम जा रहे हैं और बच्चों को भी लेके जा रहे हैं कि इधर क्या लगाया हुआ है। कुछ ज़मीन पर हमने जो है वो गन्ना काश किया हुआ है, गन्ना लगाया। मैं भी आपको दिखाऊंगी, अभी बिल्कुल ही छोटे छोटे ये देखें जो है। बीच में कुछ और भी चीज़ें निकली, वो सफाई वगैरह करते हैं। मैं ये देखें, ये गन्ना निकला अभी छोटे छोटे। और ये जो ज़मीन तैयार की हुई है, ये जो है ये कपास के लिए तैयार की हुई है। कपास इस लगी हुई है इसमें, कपास अभी लगे हुए हफ्ता हुआ था, तो अभी इतने ज़्यादा उसके जो है वो पत्ते वगैरह नहीं निकले। ये देखें जो सुराख नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर जो है वो कपास लगाई जाती है। यहाँ जो है लेडीज़ को बुलाया जाता है, जो कहते हैं चोनियाँ उन्हें कहते हैं। और वो आके ना इन पे सारी ना कपास लगा के गई थी, कपास का ना बीज अंदर लगा के गई थी। और ये पानी लगाया हुआ, जिसकी वजह से कुछ ज़मीन अभी गीली है और कुछ जो है वो ड्राई हुई हुई है। तो ये सारी वहाँ तक जो अभी जहाँ तक आपको ऐसी ये लाइनें नज़र आ रही हैं, सारी जो है कपास लगी हुई है। एक तरफ गन्ना लगा हुआ है और एक तरफ अभी कुछ ज़मीन रहती है रेडी करने के लिए, जिसपे चावल लगाना है। अल्लाह ताला जो है हमारी फसलों को अच्छा अच्छा करे और कामयाब करे, जो हमने ये भी काम स्टार्ट किया है। आप इंजॉय कीजिए, साथ ग्रीनरी देखिए, साथ गांव का व्यू। तो ज़मीन का व्यू है, गांव का व्यू जो है वो मैंने अपनी पहले कुछ वीडियोस में मैं अपडेट कर चुकी थी, उसके मैं जो है आपके साथ एंड स्क्रीन पे मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, अगर आप देखना चाहें। देखिए ये ज़मीन अभी रेडी होने वाली रहती है, इस पर जो है वो चावल लगाना है। चावल की जो सबसे पहले है ना, एक कनाल पे ना वो लगाई जाती है, उसकी पनीरी लगाई जाती है, उस पर ना खुला पानी छोड़ा जाता है। जब वो थोड़ी सी ग्रीन ग्रीन हो जाती है, थोड़े से उसके निकल आते हैं, फिर उसको वहाँ से उखाड़ के, मतलब वहाँ से लेकर तो इस ज़मीन पर लगाया जाता है। अब मैं जो है आपको बाग की तरफ लेके जाती हूँ, जिसमें कुछ जो दरख्त हैं वो लीचीज़ के हैं और कुछ जो है ग्रेप्स लगे हुए हैं। ग्रेप्स तो अभी कच्चे थे, लीची अभी कच्ची थी। अभी देखें छोटी छोटी है, अंदर कुछ बड़ी हुई हुई हैं। और वेदर तो बहुत ही प्यारा था, और ग्रीनरी तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है, और खुला माहौल तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है कि ताज़ा हवा आती होती है, आप इंजॉय कर सकते हैं। और अब आपको मैं ग्रेप्स की तरफ लेकर चलती हूँ कि ग्रेप्स दिखाती हूँ। ग्रेप्स का भी फर्स्ट टाइम मैंने ये जो है ये बेल या ट्री देखा है मैंने। और ये देखिए अभी कच्चे थे ग्रेप्स अभी, और मैं भी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, और आपके साथ मैं शेयर करें अपने वाइटी फैमिली के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ इंजॉय करें। और प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और बच्चे देखे, मेरा छोटा बेबी तो बहुत ही इंजॉय कर रहा था, और कहीं अभी काम भी हो रहा था, ट्रैक्टर वगैरह लगे हुए थे और काम चल रहा था, और ये बेबी अपना इंजॉय कर रहा है। बाकी बच्चे अपना इंजॉय कर रहे थे और हम अपना इंजॉय कर रहे थे। ये ईद का जो है ना सेकेंड डे था, उस दिन हम गए थे, तो ये वीडियो बनाई थी, तो बस एडिटिंग वगैरह में थोड़ा टाइम लग गया, तो इसलिए ये वीडियो जो है थोड़ी सी देर से आई है। ये जो दरख्त है ना, ये बहुत बड़ा दरख्त है, बहुत देखिए हवा चल रही है,
के गांव में ना हम लोग ईद के सेकंड डे आए थे, तो इधर हमारे जो रिलेटिव्स थे तो उनको मिलने आए थे ईद वगैरह। काफ़ी अर्सा हो गया था हम लोगों से मिले नहीं थे, तो फिर हमने कहा चले आज चलते हैं और मिलाते हैं। साथ वेदर भी बहुत ही प्यारा हो गया था, भी जो है वो अपनी एंजॉय कर रहा है। अल्लाह हाफिज, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए।